नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिर्च के बारे में, जो कि मिर्च जो है 12 महीना उग सकता है, यानी कि जिस समय आप लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में आ रहा है तो खेती भी हो रहा है। तो दोस्तों बारिश में मिर्च का खेती कौन सा वेराइटी लगाएं जो अच्छा से अच्छा उत्पादन दे सके, इसके लिए हम जो है लगभग 2 मिनट का वीडियो बनाए हैं, आप लोग अच्छी तरीका से सुनिए। दोस्तों लीफ कर्ल वायरस के जो है प्रति थोड़ा रेजिस्टेंस है इसमें, यानी कि इसमें जो है उतना नहीं आता है लेकिन कम सम आता है। अगर आप लोग अच्छा तरीका से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का कंट्रोल रखते हैं अपने हाथ में, कॉम्बिनेशन रखते हैं यानी कि शेड्यूल रखते हैं, तो दोस्तों यह अभी आप लोग को समस्या देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं वैरायटी की तरफ। तो दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं नामधारी का 1701 यानी कि डीजी मर्चाई आता है दोस्तों, हरे रंग में आता है, इसका मार्केट बहुत अच्छा रहता है, देख सकते हैं आप लोग यही वैरायटी है नामधारी का 1701 डीजी मर्चा है। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं दूसरा नंबर में जो वैरायटी है वो भी बहुत और बहुत अच्छा है, आप लोग लगा सकते हैं VNR का 305 नंबर। दोस्तों यह भी बहुत अच्छा उत्पादन देने में सक्षम वैरायटी है, एक बार लगाकर जरूर देखिए। तो देर ना करते हुए चलते हैं बात करते हैं तीसरा नंबर के वैरायटी के बारे में, तो वो है दोस्तों VNR का सुनिधि, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देने में सक्षम वैरायटी है। मिर्च जो है थोड़ा पतला, यानी कि थोड़ा पतला नहीं, ठीक मार्केट साइज में और हरे रंग में मिर्च लगता है इसमें। तो दोस्तों आप लोग यह वैरायटी भी लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन वैरायटी है। तो दोस्तों चलते हैं चौथा नंबर के वैरायटी में। दोस्तों चौथा नंबर के वैरायटी की बताने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं चौथा नंबर के वैरायटी के ऊपर। दोस्तों तो चौथा नंबर के वैरायटी जो है वो है बायोसीड का मार्शल, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि एकदम डार्कनेस में यानी कि डार्क ग्रीन में जो है इसका फल आता है, जो कि चमक बहुत अच्छा रहता है, आप लोग इस वैरायटी का भी लगाकर ट्रायल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पांचवा नंबर में, जो कि श्रीजंदा कंपनी का है, बहुत ही लाजवाब है और बहुत सारा किसान जो है इसको पहचान। तो दोस्तों यह है श्रीजंदा कंपनी का बुलेट मर्चा है, जो कि थोड़ा मोटा मोटा साइज में आता है, लेकिन दोस्तों इसका उपज उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिला है हमें। दोस्तों यह जो है बारिश के लिए बहुत सक्षम वैरायटी है, क्योंकि हम इसको जो है बारिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं, और हम खुद लगा कर देखे हैं बारिश में ये जो है बहुत बेहतरीन रोल निभाता है। दोस्तों ज़्यादा बारिश गिरने से दोस्तों हमको एक ही इसमें जो है अच्छा बेनिफिट लगा, जो कि बारिश की वजह से ज़्यादा पौधा जो इसमें सूखता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है यानी कि अन्य वैरायटी में जो है वो जो है बारिश के समय जो है पौधा सूखता ज़्यादा है। तो दोस्तों आप लोग को हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग का पौधा में अगर इस प्रकार का लीफ कर्ल वायरस आ रहा है तो आप लोग हमको कमेंट करिए, हम इस पर जो है अच्छा से अच्छा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के ऊपर यानी कि इसका कोकड़ीपन जो है उसको ख़त्म करने के लिए अच्छा से अच्छा दवाई आप लोग को बता सकें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।